अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 7 नवंबर को मेले का शुभारंभ हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल करेंगे, जबकि मेले का समापन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का परंपरा अनुसार शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा जबकि समापन राज्यपाल द्वारा किया जाता था, लेकिन इस वर्ष पहली बार विधानसभा अध्यक्ष मेले का शुभारंभ करेंगे जबकि समापन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला है, 7 नवंबर से 12 नवंबर तक होगा और इसमें जो 7 नवंबर का शुभारंभ है वो स्पीकर महोदय डॉक्टर राजीव बिंदल जी करेंगे और इसमें क्लोजिंग जो है उस पर अभी तक जो हमारे पास प्रोग्राम फाइनल हुआ है उसमें मुख्यमंत्री महोदय 12 तारीख को आएंगे, जिस मेले का जो समापन समारोह है उसमें शामिल होंगे। इस मेले में किसी प्रकार की जो मांस मछली है, शराब का है, उस पर पूर्ण पाबंद रहता है और इसमें एक अल्टरनेट ब्रिज बनाते हैं, उसका काम चला हुआ है। पार्किंग की फैसिलिटी क्रिएट करते हैं, वो भी चला हुआ है। बसों में किसी प्रकार की ओवरलोडिंग ना हो, अतिरिक्त बसों की वहाँ सुविधा प्रदान की जाए, वो भी सारा। और जो दुकानों के आवंटन होता है उसमें पूरी पारदर्शिता से आवंटन कर रहे हैं और सफाई पे विशेष जो है इस बार हमारा ध्यान रहेगा ताकि जो भी कूड़ा करकट है कोई ऐसी समस्या ना आए। और जो इस बार प्रदर्शनियाँ उसमें लगाई जाएंगी उसमें जो भी भारत सरकार के, हिमाचल सरकार के कार्यक्रम हैं, जैसे जल शक्ति अभियान है, उसके बारे में पूर्ण प्रदर्शनी लगाई जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। कपड़े के थैले वहाँ पे इस बार जब मुख्यमंत्री महोदय आएंगे, हर घर को एक थैला, इस स्कीम का हम शुभारम्भ करवाएंगे। और उसमें जो संगड़ा ब्लॉक है उसमें जितने हमारे हाउस होल्ड हैं 15,000 के आसपास, सभी घरों को एक एक कपड़े का थैला दिया जाएगा ताकि जो कैरी बैग पॉलीथीन वाला यूज करते हैं वो यूज ना करें और हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे। पूरे मेन इस मेले का उद्देश्य रहेगा कि हमारा पर्यावरण बिल्कुल स्वच्छ रहे, साफ रहे, किसी भी प्रकार की ऐसी लिटरिंग ना हो और सफाई पे विशेष ध्यान रहेगा इस मेले में। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।